हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग लास्ट वीडियो में मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किए थे और इस वीडियो में हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग एक नया scikit-learn क्लास सीखेंगे जिसका नाम है पावर ट्रांसफॉर्मर, और हम लोग दो नए मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म्स देखेंगे जिनमें से एक का नाम है Box-Cox और दूसरे का नाम है Yeo-Johnson। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, जस्ट टू समराइज अगेन, हमने मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ने स्टार्ट किए और basically there are three classes in scikit-learn to support these mathematical transformations. One was function transformer जो हमने कल किया, जिसके थ्रू हमने log transform पढ़ा, square transform पढ़ा और square root transform पढ़ा, और आज हम लोग second करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं power transformer। ये भी एक class है और इसमें हम दो अलग अलग ट्रांसफॉर्म्स पढ़ेंगे। एक का नाम है Box-Cox और एक का नाम है Yeo-Johnson। ओके, देयर इज वन मोर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसको हम बोलते हैं QuantileTransformer, बट ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो टुडेज एंटायर फोकस वुड बी ऑन दिस पार्ट। Okay, so let's start a discussion around Box-Cox transform. So सबसे पहले इसका नाम बहुत ही मस्त नाम है, Box-Cox। It's actually two computer scientist, एक बंदे का नाम Box था, दूसरे का नाम Cox था, probably उनका सरनेम। इनफैक्ट उन लोगों ने कोलैबोरेट इसीलिए किया था क्योंकि उनका नाम बहुत मस्त है, मिल करके और अच्छा साउंड कर रहा था। एंड इवेंचुअली दे गेव दिस ट्रांसफॉर्म। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म। और ये ट्रांसफॉर्म को यूज करके अगेन क्या होता है आपको पता है, आप किसी भी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन को, अगर आपके पास कोई डेटा है और उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, आप उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्म। इनफैक्ट ये जो ट्रांसफॉर्म है ये जनरल ट्रांसफॉर्म है। इनफैक्ट इसका ही स्पेशल केस लॉग ट्रांसफॉर्म है और स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, सो यहाँ पे होता क्या है कि दिस इज द फॉर्मूला, लाइक ये आपका इनपुट वेरिएबल है कोई भी कॉलम, और उसके ऊपर आप ये ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हो डिपेंडिंग ऑन आपके लैम्डा का वैल्यू क्या है। ठीक है, और लैम्डा बेसिकली क्या है, लैम्डा इज द पावर। सो आप एक्चुअली क्या करते हो यहाँ पे, आप ये पावर कैलकुलेट करने का ट्राई करते हो कि एक्स का पावर कितना सही रहेगा। एक्स स्क्वायर सही रहेगा, एक्स क्यूब सही रहेगा, एक्स 1.5 सही रहेगा, कितना पावर सही रहेगा यही आपको यहाँ पे निकालना होता है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे पढ़ो तो लिखा हुआ है the exponent here is a variable called lambda, okay, that varies over the range of -5 to 5। कभी भी आप Box-Cox ट्रांसफॉर्म लगाओगे तो आपका हाईएस्ट वैल्यू 5 आएगा, लोएस्ट -5 आएगा, इनफैक्ट उससे बहुत कम रहता है। एंड इन द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग वी एग्जामिन ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। सो आप सारे वैल्यूज ट्राई करते हो, आप 1.5 ट्राई कर रहे हो, आप 1.6 ट्राई कर रहे हो, 1.7 ट्राई कर रहे हो, आप सारे वैल्यूज ट्राई करते हो और फाइनली वी चूज द ऑप्टिमल वैल्यू which results in the best approximation to a normal distribution for your variable। इनमें से जिस वैल्यू के लिए सबसे बढ़िया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होता है वही वैल्यू आप लैम्डा का लेते हो। दैट इज हाउ यू डू इट। ठीक है, अब एग्जैक्टली इंटरनल वर्किंग क्या है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इस वीडियो के स्कोप के बाहर है, बट मैं आपको बता सकता हूँ देयर आर टू टेक्निक्स ये चीज को निकालने के। वन ऑफ देम इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड, जो आप कभी ना कभी पढ़ोगे स्पेशली जब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ोगे, और सेकंड है बेजियन स्टैटिस्टिक्स। ये कंप्लीटली अलग फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जहां पे बहुत सारे टूल्स और फॉर्मूलाज होते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। ठीक है, बट ट्रस्ट मी, इस पॉइंट पे एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, एज अ डेटा साइंटिस्ट, यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है रादर देन कैसे हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे इट वुड बी सफिशिएंट। तो ये हो गया Box-Cox ट्रांसफॉर्म। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि Box-Cox ट्रांसफॉर्म इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू ओनली नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 0 भी नहीं चलेगा और नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये दो रेस्ट्रिक्शंस है Box-Cox की, और इन्हीं दो रेस्ट्रिक्शंस को कौन सॉल्व करता है, Yeo-Johnson ट्रांसफॉर्म। और ये जो ट्रांसफॉर्म है अगेन दो कंप्यूटर साइंटिस्ट लोगों ने मिलके निकाला, और ये एक काइंड ऑफ वेरिएशन है Box-Cox ट्रांसफॉर्म का। और जो भी वेरिएशन है वो सिर्फ इस चीज से आता है कि ये नेगेटिव और जीरो वाली वैल्यूज के ऊपर भी काम कर पाता है। सो अगर आप यहाँ पे लिखो पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज समवॉट ऑफ एन एडजस्टमेंट टू द बॉक्स-कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन बाय विच वी कैन अप्लाई इट टू नेगेटिव नंबर्स, दैट्स इट। तो फंडा बहुत सिंपल है गाइस, आपको क्या करना है, आपको पावर ट्रांसफॉर्मर क्लास यूज करना है scikit-learn का, जिसके अंदर आपको ये दोनों इम्प्लीमेंटेशंस मिल जाएंगे। और आपको जहां भी लगे कि मेरे पास एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो नॉर्मल नहीं है और आप एक ऐसा एल्गोरिदम यूज कर रहे हो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के ऊपर बढ़िया काम करता है, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, KNN, ये सारे जो एल्गोरिदम्स हैं, तो फिर आपको क्या करना है, आपको ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के देख लेना है, क्योंकि एट द एंड आपको बस पैरामीटर ट्यूनिंग करना है और उससे आपको पता चल जाएगा कि वेदर यू शुड अप्लाई बॉक्स-कॉक्स और यू शुड गो विथ Yeo-Johnson, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। एक कंक्रीट मटेरियल का डेटा सेट मैंने उठाया Kaggle से और उसी डेटा सेट के ऊपर मैं आपको फिर से, दिस इज बेसिकली रिग्रेशन प्रॉब्लम, मैं कंक्रीट का स्ट्रेंथ प्रेडिक्ट करूंगा और आई विल यूज लीनियर रिग्रेशन एज माई मॉडल और मैं आपको दिखाऊंगा कि विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे जितना आप जब बॉक्स-कॉक्स लगाओगे और Yeo-Johnson लगाओगे तो आएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह भी निकाल के दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, ये रहा वो नोटबुक। सबसे पहले मैंने सारे इम्पोर्ट्स ले लिए। ये सब तो बहुत सीधे साधे इम्पोर्ट्स हैं, आपको ऑलरेडी पता है। और ये वाला इम्पोर्ट मैंने लिया है फॉर प्लॉटिंग QQ प्लॉट, जिससे हमें समझ में आता है कि कोई पर्टिकुलर कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना नॉर्मल है, ठीक है। सो मैंने इनको रन कर लिया। इसके अलावा मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, क्रॉस वाल स्कोर इंपोर्ट कर लिया है, लीनियर रिग्रेशन, R2 स्कोर और ये रहा मेरा पावर ट्रांसफार्मर। प्री प्रोसेसिंग के अंदर मिलेगा आपको। इतनी चीजों को आपको इंपोर्ट करना है। उसके बाद मैंने ये डेटा सेट उठाया और इसको डाउनलोड कर लिया या इम्पोर्ट कर लिया और ये मेरा डेटा सेट है गाइस। ये थोड़ा अलग टाइप का डेटा सेट है। मैंने ये डेटा सेट इसलिए उठाया क्योंकि इसमें कुछ कॉलम्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो मैं आपको क्लियरली दिखा पाऊंगा कि यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने की। तो यू कैन सी ये बेसिकली कंक्रीट से रिलेटेड डेटा सेट है। ये आपके इनपुट कॉलम्स हैं, सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग, फ्लाई ऐश, वाटर, अगर आपने कभी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो शायद याद आ रहा होगा, सुपर प्लास्टिसाइजर और भी कई सारी चीजें, एज ऑफ द कंक्रीट मटेरियल एंड लास्ट में उसका स्ट्रेंथ प्रेडिक्ट किया गया। अब यूनिट्स मुझे नहीं पता है बट दिस इज द डेटा दैट वी हैव। सो अब मुझे इस सारे गिवन डेटा के लिए प्रेडिक्शन करना है कि स्ट्रेंथ कितना होगा। इट्स अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से शेप निकाल के बताता हूँ। शेप बहुत सिंपल है, देर आर 1000 रोज रफली एंड 9 कॉलम्स, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये चेक किया कि क्या मिसिंग वैल्यूज हैं कि नहीं, क्योंकि मिसिंग वैल्यूज होने पे ट्रांसफॉर्म करने में प्रॉब्लम होता है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, बहुत ही बढ़िया डेटा सेट है। और एक चीज मैंने और फिगर आउट करने का ट्राई किया कि कहीं वैल्यूज नेगेटिव और जीरो तो नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिव और जीरो होगा तो बॉक्स-कॉक्स नहीं लगेगा। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ कॉलम्स है जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस स्नैग में 0 है मिनिमम वैल्यू, फ्लाई ऐश, सुपर प्लास्टिसाइजर and that's it। नेगेटिव वैल्यू कहीं भी नहीं है बट मिनिमम वैल्यू 0 है, तो ये प्रॉब्लम कर रहा था। मैंने इसका एक जुगाड़ निकाला है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो अभी मैंने सबसे पहले x और y एक्सट्रैक्ट किया, ये तो सिंपल है। मैंने उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारा, अगेन सिंपल है। और अब मैंने क्या किया, मैंने अभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाए बिना लीनियर रिग्रेशन का एक मॉडल क्रिएट करके इस डेटा पे ट्रेन कर दिया और मैंने R2 स्कोर कैलकुलेट किया। और R2 स्कोर कैलकुलेट करने से मुझे 62 का R2 स्कोर दिखाई दे रहा है। अब जस्ट मैं श्योर होना चाहता हूं तो मैंने क्रॉस वैलिडेशन कर दिया 10 बारी और वैसा करने के बाद पता चला कि नहीं हालत उससे ज्यादा खराब है। इनफैक्ट 46 का आ रहा है जब आप 10 बार करके मीन निकाल रहे हो, तो एक्चुअली थोड़ा और खराब ही है रिजल्ट, ठीक है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे के सारे कॉलम्स जो हैं मेरे इनपुट में, स्ट्रेंथ वाला कॉलम को छोड़ करके बाकी सारे कॉलम्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मैं उसका डिस प्लॉट भी दिखाऊंगा और मैं उसका QQ प्लॉट भी दिखाऊंगा और आपको दिखाई देगा कि काफी गड़बड़ है यहाँ पे। सो यू कैन सी, ये थोड़ा प्लॉट होने में टाइम लग रहा है। सो यू कैन सी सीमेंट वाला फिर भी ठीक ठाक है और आपका QQ प्लॉट से भी आपको ये समझ में आ रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप उस 45 डिग्री वाली लाइन के ऊपर ही हो। ब्लास्ट फर्नेस स्नैग आपका राइट स्क्यूड है, फ्लाई ऐश बाई मॉडल है और वाटर ठीक ठाक है। सुपर प्लास्टिसाइजर राइट स्क्यूड बाई मॉडल, कोर्स एग्रीगेट ये सबसे सही लग रहा है अभी तक, फाइन एग्रीगेट भी ठीक लग रहा है। सबसे खराब हालत है एज का। सो अपेरेंटली बहुत सारे कंक्रीट मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका एज कम है और फिर कुछ कंक्रीट मटेरियल हैं कम जिनका एज बहुत ज़्यादा है और वो आपको दिखाई दे रहा है क्यू क्यू प्लॉट में भी। तो हालत ठीक नहीं है एज की और एक दो कॉलम्स की, एंड जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो उतना बढ़िया नहीं आ रहा है। एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे स्केलिंग नहीं किया है। कायदे से आपको स्केलिंग करना चाहिए था, बट अभी मैं ज़बरदस्ती, क्योंकि मैं दोनों बार स्केल करूंगा, विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन भी विद ट्रांसफॉर्मेशन भी, तो स्केलिंग का इम्पैक्ट दोनों में बराबर पड़ेगा, तो मैंने अभी नहीं किया है। आप चाहो तो करके देख सकते हो। स्केलिंग करने से फॉर श्योर आपका रिजल्ट इंप्रूव करेगा, ये तो बात पक्की है, ठीक है। नाउ अब मैंने क्या किया कि अब मैंने बॉक्स-कॉक्स ट्रांसफॉर्म लगाने का सोचा, ठीक है। सो बहुत सिंपल है, आपको पावर ट्रांसफॉर्मर क्लास को इम्पोर्ट करना होता है। दिस इज द क्लास, दिस इज द पावर ट्रांसफॉर्मर क्लास। बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई अ पावर ट्रांसफॉर्म फीचर वाइज टू मेक डेटा मोर गॉशियन लाइक। गॉशियन मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। Power transforms are a family of parametric monotonic transformations that are applied to make data more Gaussian-like. This is useful for modeling issues related to ये term आप पढ़ोगे जब आप linear regression करोगे। Linear regression में it is one of the main assumptions, ये हम discuss करेंगे, don't worry about this. और other situations where normality is desired, ठीक है। Currently, power transformer supports the Box-Cox and Yeo-Johnson transform. The optimal parameter for stabilizing variance and minimizing skewness is estimated through maximum likelihood. जो मैंने आपको बोला कि वो जो लैम्डा कैलकुलेट होता है वो दो तरीके से होता है, या तो वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड के तरीके से होता है या फिर बेजियन स्टैटिस्टिक्स के तरीके से होता है। यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है, सिंस ये मशीन लर्निंग बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड के थ्रू हो रहा है, ठीक है। Box-Cox requires input data to be strictly positive, zero भी नहीं negative भी नहीं, while Yeo-Johnson supports both positive and negative data. By default, zero mean unit variance normalization is applied to the transform data. इसका ये मतलब है कि यहाँ पे एक standardized बोल के पैरामीटर है जिसका डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू है। इसका मतलब जब ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा तो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो एक्चुअली स्केल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इंटरनली स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। सो अब एक काम कर रहा हूं मैंने पावर ट्रांसफॉर्मर बनाया। बाय द वे यहाँ पे जो मेथड है वो बाय डिफॉल्ट Yeo-Johnson है, क्योंकि मैंने जितना नोटिस किया है जितने भी डेटा सेट्स के ऊपर, वहां पे मोस्टली Yeo-Johnson बेटर रिजल्ट देता है इन कंपेरिजन टू Box-Cox। और सेकेंड बेनिफिट ये है कि नेगेटिव डेटा को भी कंसिडर करता है, तो इसलिए इन लोगों ने डिफॉल्ट Yeo-Johnson बना रखा है, बट पहले मैंने Box-Cox यूज किया। अब Box-Cox में मेरे को प्रॉब्लम क्या था कि मेरे पास जीरो वाला डेटा था, तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि मैंने एक्सट्रीम में ये बहुत छोटा सा वैल्यू ऐड कर दिया, तो अगर मेरे पास कहीं भी जीरो होगा तो अब वो 0.00001 हो गया, ठीक है। तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बस मेरा Box-Cox ट्रांसफॉर्म लग गया। इनफैक्ट ये जुगाड़ मैंने कहीं पढ़ा था किसी ब्लॉग में, उन लोगों ने बोला था कि अगर आपके पास जीरो है आप उसके आगे छोटा सा वैल्यू लगा दो, वही मैंने यहाँ पे किया। मैंने अपना एक्स ट्रेन को ट्रांसफॉर्म किया, मैंने अपना एक्स टेस्ट को ट्रांसफॉर्म किया। अब एक चीज और, होता क्या है कि आपके पास यहाँ पे 8 कॉलम्स हैं। अगर आप नोटिस करो आपके इनपुट में 8 कॉलम्स हैं, आप 8 के 8 कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, राइट। मतलब आप अपने हर कॉलम के लिए एक लैम्डा वैल्यू कैलकुलेट करते हो, ठीक है। जो आपने यहाँ पे देखा, ये आप हर इनपुट के लिए, हर इनपुट कॉलम के लिए एक लैम्डा कैलकुलेट कर रहे हो। बेसिकली हर कॉलम के लिए एक लैम्डा निकल रहा है जिसके पावर से आप उसको रेज करके ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो मैंने वही किया कि मैंने जब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, उसके बाद ये पीटी मेरा जो ऑब्जेक्ट था उसमें डॉट मार के मैंने लैम्डाज अंडरस्कोर को फेच किया। ये मुझे सारे के सारे लैम्डाज निकाल के देगा हर कॉलम का, और मैंने उसको एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। एंड यू वुड सी कि सीमेंट के लिए इट्स बेसिकली 0.177। इसका मतलब अगर सीमेंट में, मान लो अगर आपके सीमेंट में इस तरीके से वैल्यू है, आई वुड शो यू, जैसे सीमेंट में मान लो आपके पास 540 है, तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, 540 को रेज कर रहे हो बाय द पावर ऑफ जो भी यहाँ पर है 0.177। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सिमिलरली ब्लास्ट फर्नेस स्नैग जो है इसको आप जो भी नंबर है, मान लो 30 है, तो उसको आप रेज करोगे बाय द पावर ऑफ 0.02। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग इंटरनली। ये लैम्बडास कैलकुलेट होने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही अप्लाई होता है, हर एक्स को ले रहे हो उसको लैम्बडा की पावर से रेज कर दे रहे हो। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो ये जस्ट क्लियर कर लेना अपने दिमाग में, आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ दैट मेरे पास ट्रांसफॉर्म्ड एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट है, मैंने फिर से लीनियर रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक्स ट्रेन ट्रांसफॉर्म्ड और वाई ट्रेन को मैंने ट्रेन किया और मैंने प्रिडिक्शन किया, वाई प्रेड 2 में डाला और इसको रन किया, तो ये मेरा 80 आ गया। जैसे ऊपर कितना आ रहा था, ऊपर आ रहा था 62, ऑल्दो क्रॉस वैलिडेशन करने के बाद 46 हो गया, बट यहाँ पे 62 के बदले 80 हो गया। सो यू कैन सी तुरंत इम्प्रूव कर गया हमारा R2 स्कोर। अब मैं ज़्यादा खुश नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने फिट ट्रांसफॉर्म क्रॉस वैल स्कोर अप्लाई किया, 10 बार कर दी पूरी चीज़ को, और वो करने पे मुझे पता चला कि बहुत खुशी की बात नहीं है, 0.66 हो रहा है। और 0.66 एक्चुअली अच्छा है क्योंकि हमारा 0.46 हो रहा था क्रॉस वैल स्कोर विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन, और अब ये 0.66 है, तो 0.2 का आपका इम्प्रूवमेंट है। दैट इज अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सो अब एक लास्ट चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। मैं अब आपको फिर से साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ, बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट प्लॉट, ठीक है। इसको मैंने रन किया और उसके पहले आई विल हैव टू रन दिस ऑल्सो, जस्ट वन सेकेंड। वहाँ पर ही मैंने वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया था आई गेस। ओहो, मैंने डेटा फ्रेम में कहीं पे कन्वर्ट ही नहीं किया। आई विल हैव टू डू इट, जस्ट वन सेकेंड। Yep, this is the code, so I'll just copy it over here. मैं बस क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो x ट्रांसफॉर्म्ड है वो numpy array है, उसको मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ सो दैट मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखा पाऊँ। सो ये देखो गाइस, ये मैंने ग्राफ्स प्लॉट किए बिफोर एंड आफ्टर के। सो लेफ्ट साइड में आपको बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन का ग्राफ है हर कॉलम का, राइट साइड में आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो सीमेंट में यू कैन सी देयर इज अ स्लाइट ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपका थोड़ा सा राइट स्क्यूड था उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर रहा है, व्हिच इज गुड। यहाँ पे देखो, ये काफी राइट स्क्यूड था, इसको इसने प्रॉपरली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं कर पाया, बट बाई मॉडल और दोनों मॉडल्स आपके नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेम गोज विद दिस वन, फ्लाई ऐश वाटर जैसा था वैसा ही दिख रहा है। सुपर प्लास्टिसाइजर को भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, कोर्स एग्रीगेट वैसा ही दिख रहा है, फाइन एग्रीगेट वैसा ही दिख रहा है। एज में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, एकदम ही राइट स्क्यूड डेटा को उठा करके उसने स्टैंडर्डाइज करके एकदम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बना दिया, ठीक है। तो यू कैन सी किस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़, मैंने क्या किया कि यो जॉनसन लगाया इस बार। सो मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया PT1 और पावर ट्रांसफॉर्मर में कोई वैल्यू नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू यो जॉनसन है, और फिर से सारा काम रिपीट किया। और सारा काम रिपीट करने के बाद इस बार जो मेरा R2 स्कोर आ रहा था वो आ रहा था 81, लास्ट टाइम 80 आ रहा था, इस बार 81, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और दिखा मुझे, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरे पास ये सारे लैम्बडाज आ गए, ये मेरे सारे लैम्बडाज हैं। सो अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कॉलम्स के जो लैम्बडाज हैं वो Box-Cox से बहुत सिमिलर हैं, बट कुछ में थोड़े से चेंजेस हैं जो अलग कर रहा है हमारा Yeo-Johnson, ठीक है। और फिर से कॉन्फिडेंट ना होने के बदले क्रॉस वैल स्कोर लगा के आप एक्चुअल रिजल्ट्स देख सकते हो, और वो एक्चुअल रिजल्ट ये रहा। 0.66 हो रहा था लास्ट टाइम, इस बार 0.68 हो रहा है, ठीक है। तो यू कैन सी वी स्टार्टेड विद 0.46, उसके बाद Box-Cox लगा के 0.66 और Yeo-Johnson लगा के 0.68 तक हम पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। अब एक लास्ट चीज बस मैंने ये किया कि अच्छा हाँ, यहाँ भी मैंने काम किया है कि मैंने साइड बाय साइड प्लॉट किया है आपका बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर Yeo-Johnson ट्रांसफॉर्मेशन, और मोस्टली आपको रिजल्ट में कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, बहुत सिमिलर रहेगा आपका Box-Cox से। जो भी डिफरेंसेस हैं वो बहुत माइन्यूट हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज बहुत ज़्यादा नहीं है, नेगेटिव वैल्यूज होते तो वैसे तो लग ही नहीं पाता Box-Cox, ठीक है। और लास्टली मैंने क्या किया, एक डेटा फ्रेम बना दिया जहाँ पे मैंने दोनों के लैम्बडास को कंपेयर कर लिया। सो यू कैन सी Box-Cox में, पता नहीं ये थोड़ा पुराना है, इसको मैं दोबारा रन कर देता हूँ। पता नहीं कुछ स्लाइड चेंजेस आए वैल्यू में, बट जो भी है 0.169 बॉक्स-कॉक्स सीमेंट है, 0.174 है। ज्यादा डिफरेंस जो देखने को मिल रहा है वो फ्लाई ऐश में देखने को मिल रहा है, थोड़ा डिफरेंस वाटर में देखने को मिल रहा है, सुपर प्लास्टिसाइजर ठीक ठाक है, दिस इज स्लाइटली डिफरेंट एंड एज में काफी डिफरेंस है, लाइक 10 के फैक्टर का डिफरेंस है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो दैट इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। मतलब आपको बस ये करना है गाइस कि आपको ये पावर ट्रांसफॉर्मर क्लास को बुलाना है। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, एक बार समराइज कर देता हूँ। अगर आप लीनियर रिग्रेशन या उस तरह के एल्गोरिदम्स यूज कर रहे हो जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के ऊपर रिलाई करते हैं, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपके पास जो कॉलम्स हैं क्या वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं है। मोस्टली आपको नहीं मिलेगा, अगर आप रियल वर्ल्ड डेटा के ऊपर काम कर रहे हो देयर इज अ बिग चांस कि नहीं मिलेगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। तो फिर आपको क्या करना है, आपको पावर ट्रांसफॉर्मर क्लास लगा देना है, ठीक है। आप चाहो तो फंक्शन ट्रांसफॉर्मर भी लगा सकते हो, बट मोस्टली मैंने जो नोटिस किया कि पावर ट्रांसफॉर्मर का परफॉर्मेंस मोस्टली इट परफॉर्म्स बेटर देन फंक्शन ट्रांसफॉर्मर। लॉग ट्रांसफॉर्म स्क्वायर रूट से बेटर ही परफॉर्म करता है, बट आप दोनों चीजें ट्राई करके देख सकते हो। जिसमें भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा वही आपको सेलेक्ट करना है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। सो विद दैट आवर मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट इज कंप्लीट। और हम लोग अगला स्टार्ट करने वाले हैं मिसिंग वैल्यूज को कैसे इंप्यूट करना है। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ सो गाइज, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।